नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। संसदीय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे और ये जो 5 चरणों में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, वैसे तो पूरे देश में 7 चरण में होंगे लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 चरण में होंगे और वो पहले 5 चरण में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 19 अप्रैल को यहाँ पर पहला चुनाव होगा, यानी कि मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तैयार कर ली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो कैंडिडेट बनाए गए हैं डोडा, उधमपुर, कठुआ वाली सीट पे, और जुगल किशोर शर्मा वो जम्मू रियासी की सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन विपक्ष ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, कौन सी रणनीति अख्तियार कर रहे हैं ये पता नहीं। कि सबकी निगाहें कांग्रेस पर है कि कांग्रेस किसे खड़ा करती है जम्मू से और डोडा उधमपुर वाली सीट से, खासकर डोडा उधमपुर वाली सीट, क्योंकि जो भी कैंडिडेट वहाँ से उतरेगा उनका सीधा मुकाबला पीएमओ के साथ होगा। खबरें आ रही हैं कि लाल सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और टक्कर देंगे। इसी पर हम बातचीत करेंगे पवन शर्मा जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार, कि आखिर विपक्ष की क्या रणनीति है और क्या कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं कि हाँ हार मान चुके हैं कि हैट्रिक ही लगेगी अब। डॉक्टर साहब देखिए, इस समय जो अभी का समय है, आज शाम का जो हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी तक सरेंडर है पूरी तरह से विपक्ष का। क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर, डोडा, रामनगर, उन इलाकों में अपने दौरे कर रहे हैं। जुगल किशोर बिश्नाह, अनिया, आरसपुरा, अम्बाड़, अखनूर तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन जिनके साथ इन दो सीट के ऊपर बड़ा मुकाबला समझा जा रहा था वो है कांग्रेस। कांग्रेस अभी तक इस पशोपेश में है कि किसको मैदान में उतारा जाए। अगर चौधरी लाल सिंह की बात करते हो तो अभी तक क्लियर नहीं है, हो सकता है कि आज रात को टिकट उनको अनाउंस हो जाए, कल वो जम्मू में आ जाए, कल जम्मू में लोग उनका स्वागत करें। दूसरी तरफ रमन बल्ला या दूसरे कोई नेता, कौन आएगा, किसको टिकट मिलेगी, वो भी सस्पेंस इन्होंने रखा है। सस्पेंस क्या रखा है कि कोई उम्मीदवार ऐसा इनको चाहिए जो इनको टक्कर दे। अब उन लोगों के सामने की बात करें तो दोनों तरफ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो परेशानी में हैं कि किसको मैदान में उतारेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय कितना बचा है। आप मैदान में जाएंगे, आप प्रचार करेंगे, आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, कठुआ से लेकर डोडा पोगल परिस्थान तक का इलाका है, रामबन तक का। जम्मू अगर आप बात करते हैं तो सांबा के एक अंतिम गांव बॉर्डर से लेकर आपको रियासी अरनास गूल तक जाना है। तो इतना जो सफ़र है, जो तय करना है उम्मीदवारों ने गांव-गांव में जाकर, उसके लिए भाजपा की तैयारी पूरी है, वो चल पड़े हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है या फिर कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस को देख रही है कि कौन किसके लिए कुर्बानी देगा? देखिए, जम्मू वाली दोनों सीटें जो है जम्मू डिवीज़न की, इसमें तो गठबंधन भी अगर हो जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कोई उम्मीदवार नहीं लाएगी। अच्छा, पीडीपी कोई नहीं लाएगी। अच्छा, बाकी और कौन है इनके साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। अल्ताफ बुखारी वो अलग पार्टी में, वो अलग लड़ेंगे। आजाद साहब तो अलग अपना वो करेंगे, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी दे दिया उधमपुर डोडा में, जीएम सरूरी उन्होंने भी कर दिया। लेकिन कांग्रेस इस पशोपेश में है कि अगर उधमपुर डोडा वाली सीट के ऊपर चौधरी लाल सिंह को लाया जाता है तो जम्मू वाली सीट पर किसको लाया जाएगा, क्योंकि रमन बल्ला पहले एक बार जहाँ हार चुके हैं। हार जीत मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी अब जुगल को टक्कर देनी है तो रमन बल्ला ही इस समय एक इनके पास बड़ा उम्मीदवार है जो टक्कर दे सकता है। टक्कर क्या दे सकता है कि लड़ाई हो सकती है। अब आप नए लोगों को, चेहरा जो है उनको भी सामने लाना चाहिए। मेरा जो मानना है कि इस समय जो प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में अगर आपके पुराने दिग्गज नेता नहीं लड़ना चाहते तो आप जूथ को आगे लाइए ना। तरनजीत सिंह टोनी आपके पास है, DDC की इलेक्शन जीती हुई, उसको मैदान में उतार दीजिए, जहाँ फिर कोई और युवा नेता ले आइए। वही हाल कठुआ में है। अगर आप लाल सिंह के ऊपर आपकी राय नहीं बन पा रही है, पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हुआ है कि इनको टिकट नहीं देनी है, तो आप वहाँ पर कोई नया लड़का लाइए, यूथ लीडर को ले आइए। हारना तो है ही, तो किसी न किसी को तो खड़ा करना है, तो आप क्यों पुराने लोगों के पीछे पड़े, आप नए लोगों को सामने लाइए। समझी जा सकती है कि अगर लाल सिंह पर आज उनकी निगाहें हैं, अगर वो यहाँ पर कांग्रेस में वापसी करते, घर वापसी,
हमने घर वापसी कहा था, बीजेपी में तो हुई नहीं, इसमें चांसेस हैं कह रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि 2000 मतलब 20 साल तक ये और कोई लीडर तैयार ही नहीं कर पाए। हाँ, उसमें एक चीज है कि आज भी लाल सिंह पर निगाहें। नहीं नहीं, बेसिकली दरअसल ये एक पार्टी में नहीं है, ये आप दूसरी पार्टी में भी देख सकते हैं ऐसा कि रिपीट किए गए हैं दोनों एमपी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार पूरा डिक्लेयर कर दिया था कि हमने 400 तक पहुंचाना है। तो हम कोई भी जोखिम नहीं लेंगे, हम जो लोग जीते हुए हैं जिन्होंने काम किया है, जोखिम ना लेना, लेकिन उनके पास लीडर तो है ना, लीडर हैं, इनके पास लीडर हैं। लेकिन कहानी ये है कि जिस तरह से सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट थी, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो नए लोगों को आगे सामने नहीं आने देते थे, वही हाल अब जम्मू कश्मीर में भी इनका है कि आपके पास जीए मीर, बकाल सूर बानी और रमन बल्ला, तीन चेहरे आपके पास, आप नए लड़कों को आगे नहीं आने देना चाहते हो तो आप किसके सहारे चलोगे? ताराचंद वो ऑलरेडी एक पुराने नेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्टी को दगा तो दे चुकी है ना। हाँ, उन्होंने आज़ाद के साथ गए, आज़ाद ने दगा दिया तो उनकी टीम ने भी दिया, आज़ाद के साथ गए लेकिन वो वापस आ गए। तो आप डिक्लेयर करिए भाई कौन सा लड़ेगा। आपके पास बलवान सिंह है, वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गया था लेकिन वापस आ गया, बलवान सिंह भी एक कदावर नेता है, ताराचंद भी कदावर नेता है, और बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग हैं जो एक गुज्जर नेता नगरोटा से हैं, आप उनको मैदान में लाइए, आप तरनजीत सिंह टोनी को लाइए, नहीं तो युवा पीढ़ी जो प्रणव सुगोत्रा है या उनकी टीम है, आप उनको चेक तो करिए भाई, इनको मैदान में तो लाइए, पता तो चले इनका। आपको लगता है कि युवा पर इतना दाव खेलेंगे कि आज से 20 साल पहले भी अगर लाल सिंह को उतारा गया था इस 10 साल का टेन्योर देख लें तो फिर लाल सिंह पर डिपेंड हो रहे हैं? दरअसल इनका अपना कन्फ्यूजन है, जो हाईकमान में इस समय स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, किसी के पास भी विजन क्लियर नहीं है कि जम्मू कश्मीर का रोड मैप क्या होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर में 12 जोड़ों न्याय यात्रा लेकर आते हो, उस यात्रा के दौरान ही आप देख लीजिए कि कितने विवाद खड़े हो गए थे जम्मू कश्मीर के भीतर। ये अलग टाइप की स्टेट है, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है इसको सिर्फ अभी तक भाजपा नहीं समझा है, अब आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि ये इस बार जो हैट्रिक कन्फर्म है दोनों साइड से, बिल्कुल आप जिसको मर्जी मैदान में ले आइए, हार तो है लेकिन लड़ो तो सही यार, कम से कम किसी चेहरे अगर, तो अगर हार ही निश्चित है तो फिर क्या लड़ना? नहीं, लड़ना तो है ना, आपने मैदान में तो किसी को उतारना है ना, हो सकता है पासा पलट जाए, क्या पता लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर आ जाए। लोग अब देखो वोटर का क्या है, वोटर का कोई पता नहीं चलता है आजकल जो वोटर है, हो सकता है कि मैं किसी पार्टी का बहुत कदावर उनके साथ चल रहा हूँ, उनके टेंट लगा रहा हूँ, दरियाँ लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हो सकता है अंतिम दिन में मेरे साथ किसी बहस हो जाए, यानी कि और मैं गुस्से में जाके बोल के फिर अपोजिशन उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन गुस्सा फूटेगा फिर ये कैंडिडेट लाएंगे। वो दरअसल वो नहीं है कहानी, मेरा मैं जो पहले कह रहा था कि एक आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि अगर रविंद्र शर्मा को नहीं ला सकते तो टोनी को लाएंगे, अगर टोनी को नहीं ला सकते प्रणव सुगोत्रा को लाएंगे, विकल्प होने चाहिए। प्रणव सुगोत्रा को ला से जुगेश सानी को ट्राई करिए, जुगेश सानी को नहीं कर सकते, आप पहले ही दो बड़े लीडरों के ऊपर ही उंगली उठा के बैठे हैं कि रमन बल्ला लड़ेगा, ताराचंद लड़ेगा, उधर से लाल सिंह लड़ेगा, जो बाकी आपका पीछे कैडर है वो क्या सोचेगा कि हम पिछले 5 साल जो इनके साथ काम करते रहे फिर पीछे बैठेंगे? भाजपा ने तो क्लियर कर दिया कि हमने इनके ऊपर ही दांव खेलना, क्योंकि वो जीते हुए थे। तो आपके पास मैदान खाली पड़ा है, आपने लड़ने जाना है तो आप सिपहसालार बदलिए ना भाई। आत्मविश्वास की कमी या फिर ये मान चुके हैं कि अब हराया ही नहीं जा सकता इनको? देखिए आत्मविश्वास की कमी आप एक साइड पर रख दीजिए, मैंने पहले कहा कन्फ्यूजन है, कोई भी वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की स्थिति को कांग्रेस के भीतर वहाँ पर पूरी तरह से किसी को बता सके। आप देखो केसी वेणुगोपाल है, ठीक है, उनका एक अलग ग्रुप चल रहा है, जीए मीर का अलग ग्रुप काम कर रहा है, बकार सुलवानी का एक अलग ग्रुप है। अब पार्टी के अंदर आप तीन तीन धड़े लेकर चलोगे तो कन्फ्यूजन तो बनेगा, और पार्टी के अंदर ये सहमति एक मत नहीं बन पा रहा कि लाल सिंह को लेना कि नहीं लेना, अगर लेना होता तो पहले के लिए ले चुके होते। हमने एक शो में कहा था अनुशासन की कमी है संगठन के भीतर, संगठन में अनुशासन होगा तो आप पूरी फौज तैयार करके रखते हो, एक ए नहीं बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, लेकिन यहाँ पर ए के ऊपर ही बैठे हुए हैं कि जब भी होगा ए वाले ही लड़ेंगे, वो कन्फ्यूजन इनका जब तक दूर नहीं होगा तब तक आप लड़ो मैदान में किसी को। क्या अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को समझने में फेल हो गया, उनकी रणनीति को भांप नहीं पाया कि जहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक किस्म का आधा चुनाव प्रचार कवर कर लिया हुआ है, और ये अभी तक सोशल मीडिया पे है, ये अभी तक फेसबुक पे है, अभी तक ट्विटर पे है। अब जम्मू कश्मीर के भीतर कांग्रेस का एक कद्दावर नेता ट्विटर पर
प्रचार की बात करता है तो आप मुझे बताइए, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्विटर को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के सहारे आप अभी प्रचार शुरू कर रहे हो, आप पीएम के खिलाफ या कैंडिडेट्स के खिलाफ इस तरह से आप अभी शुरू कर रहे हो, जो शुरुआत सोशल मीडिया की एक ट्रोलिंग सिस्टम बहुत नहीं चलता है यार, लोग बहुत समझदार हैं यार। आप मुझे भी एक चीज़ बताओ कि जो एक दूर दराज गाँव में बैठा है, जिसके पास वो गाड़ी पहुंच रही है, गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, मेडिकल की गाड़ी पहुंच रही है, है ना, तो वो वाला व्यक्ति जो है वो नहीं ट्रोलिंग देखता, वो देखता कि हाँ गारंटी है, गारंटी है। अब देखो इस समय जो स्थिति है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, इस समय कांग्रेस को लड़ना चाहिए, आप लड़ो मैदान में आओ, हार जीत तो होती रहेगी आपके भाई, आपका घट रहा है, आपने जीती हुई हैं सीटें, हारी थोड़ी हैं। आपके मदन लाल शर्मा जहाँ से जीते हुए हैं वहाँ से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है, आप एक लड़ो तो सही। चमन लाल जी ने हैट्रिक लगाई थी, उसके बाद भाई आप लोग वहाँ आओ तो सही मैदान में। चौधरी लाल सिंह भी तो जीता था इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन मैदान के भीतर आपको आना चाहिए और आपको एक उस तरीके से इस समय जो स्थिति बनी हुई है, आपको उसी तरीके के हिसाब से इनके साथ चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति बनेगी कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं फाइट दे सकती है। लेकिन आपको पहले कैंडिडेट आपने डिसाइड, जिस हिसाब से कहते हैं कि लोगों का बड़ा गुस्सा है और कोई काम नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मूर्ख बनाया है, ये किया वो किया, तो अगर ये इतने आश्वस्त हैं तो इस वक्त तो हल्ला बोल हो जाना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सबको पता है, आप भी कहते हो लोगों के अंदर गुस्सा है, बेरोजगारी है, जम्मू में जो लोकल बीजेपी की लीडरशिप है वो नाकाम रही है, तो ठीक है ना, उसका फ़ायदा उठाओ, इस समय उठाना चाहिए ना। अब कब उठाओगे, 19 तारीख को चुनाव है, अब आज कितनी है 19, एक महीने में आप इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे कवर करोगे, आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके कितने लोगों के साथ लोगों में कितना विश्वास पैदा करोगे, लोगों में कितना वो कर सकते हो, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अब आप देखो तरुण चुग जी आए, उधमपुर का एरिया उन्होंने कवर कर लिया, डॉक्टर साहब सीधे रामनगर से निकले, डोडा से रामबन, पोगल परिस्थान और ये अपने एरिया में, जुगल जी ने बिश्नाह सांबा आरसपुरा से शुरू किया, अब वो अखनूर की तरफ आगे निकल रहे हैं। कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप उनके पास एक पूरी तैयारी है, क्योंकि उन्होंने तैयारी पिछले 2 साल से करना शुरू कर दी है। आप विपक्ष में, आपको भी पता चुनाव आ रहे हैं, आप भी तो तैयारी उसी दिन से कर रहे हैं। ये खासियत है ना, 2024 के ये चुनाव है ना, उन्होंने 29 की तैयारी कर ली अभी से ही। वो बात अलग है, वो आप 29 की तैयारी करें ना करें, लेकिन आप कम से कम यार 1 साल पहले कैंडिडेट तो डिसाइड कर लो, 6 महीने पहले ही कर लो, आप 1 महीना पहले ही कर लो, अभी तक आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आप किसको मैदान में उतारोगे। तो कुल मिलाकर बस यही है कि लाल सिंह पर ही डिपेंड है। देखो हम जो इस समय जो एनालिस कर रहे हैं कि इस बात को लेकर क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, आप दूसरी तरफ ही देख लीजिए, घाटी में अभी तक बीजेपी ने रजौरी पुंछ की सीट पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं, देख रहे हैं कि कौन ठीक है कि पहले अपोजिशन रणनीति। अब यहाँ पे तो उन्होंने कर दिया जहाँ कांग्रेस को करनी चाहिए, वहां पर भाजपा बेट कर रही है कि आप किसको लाते हो और फिर हम उसके फिर हम उसी ढंग से अपना कैंडिडेट लाएंगे। यहाँ तो पहले से ही अनाउंस हो चुके हैं, तो आप ले आओ। अब कश्मीर के भीतर की बात करो, कश्मीर में सच क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला भी लड़ेंगे, फारूक अब्दुल्ला भी लड़ेंगे, तो वहां पर बीजेपी अपने कैंडिडेट जो है वो भी उतारेगी मैदान में। वहाँ पर क्या स्थिति बनती है, इस बार कश्मीर में जो एक बदलाव आया था उसका कितना असर पड़ता है, कितना वोटों में तब्दील कर पाते हो, वो बाद में देखने की बात है। क्योंकि आपने जिस तरह से कश्मीर के भीतर अभी कल ही वहाँ पर फार्मूला रेस जो कार की है वो डल गेट पर करवा दी, G20 शिखर सम्मेलन आपने करवा दिया, कश्मीर के भीतर आपने टूरिज्म को लेकर इतने इतने बड़े कार्यक्रम करवा दिए, और इतनी बड़ी मीट करवा दी, हटने के बाद इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने बाहरी जो देश थे वहाँ से लोगों को वहाँ पर लाया, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यहाँ पर लाए, तो वो देखना चाहते थे हम कितना वोट में तब्दील करें। क्या लाल सिंह जी ने भी कभी सोचा था कि मैं मुझे दोनों पार्टी मतलब लेने में इतना मंथन करेंगी, वरना क्या एक कद था कि हाथों हाथ ले लिया गया था। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि लाल सिंह जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, समय की बात होती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। ये वही लाल सिंह थे जिन्होंने पहली बार जहां एमपी जब बने थे, एमएलए बने थे, उसके बाद उन्होंने इस पूरे इलाके में दबदबा बना के रखा था, उसके बाद उनकी मिसेज भी वहाँ से जीत के आई। बीच में ऐसे समीकरण बने, उतार चढ़ाव आया, फिर उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, फिर उनके साथ से लोग टूटना शुरू हुए, ये हो जाता है एक पॉलिटिशियन के साथ, ये समय आता है। लेकिन हम उनको ज़्यादा बड़ा भी नहीं इस समय कह सकते कि वो बहुत बड़ी छलांग लगा लेंगे, लेकिन उनको कम भी नहीं आंक सकते।
ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्टर आपको साथ लेके चलना होगा। हाँ, ये है कि पहले जैसा ग्राफ अब नहीं रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस पहले ही, एक साल पहले ही बोल देती, जब से वो बैठे थे घर पे, जब वहाँ पे एक साल पहले भारत जब यात्रा आई थी, ये जॉइन करने के लिए गए थे, लाल सिंह अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर राहुल गांधी के वहाँ पर ये बाहर खड़े थे, वो स्टेज के ऊपर थे, उस समय अगर कांग्रेस ने हाथ बढ़ा लिया होता, स्टेज पे बुला लिया होता, तो हो सकता है कि आज समीकरण कुछ और होते। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया, तो वहीं अपोजिशन अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि हमें कैंडिडेट कौन से उतारने, खासकर कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है कि लाल सिंह पर क्या फैसला लिया जाए और जम्मू से किसे चुनाव लड़ाया जाए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।